4.4 में लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, आपको शुरू के दो क्वेश्चन में बोला हुआ है एन टर्म्स तक आप इस सीरीज का सम निकालो। तो फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कर लेते हैं। 2 में क्या गिवन है आपको, 1 upon 1 multiply 5, 1 upon 5 multiply 9, 1 upon 9 multiply 13 to n terms। अब एक मेथड आपने 5.3 में पढ़ा था कि वो सीरीज डिफरेंट अंदाज में गिवन होती, वहां पे डिफरेंस केपी या जीपी में होता था, तो वहां पे अलग तरीके से मेथड और डिफरेंस अप्लाई करते थे। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होगा, किसी तरह जनरल टर्म इसकी निकालो, जनरल टर्म यहाँ आसानी से निकाल सकते हो। जनरल टर्म जब आपके पास आ जाएगी उसके बाद हम देखेंगे क्या मेथड करना है, पहले जनरल टर्म निकालते हैं उसके बाद देखते हैं। जनरल टर्म निकालने का तरीका क्या होगा, अगर आप देखो न्यूमरेटर तो 1 है, इसका मतलब जो जनरल टर्म होगी वो भी 1 ही हो रहा न्यूमरेटर उसका। असल बात है डिनोमिनेटर को जरा देखते हैं, डिनोमिनेटर में पूरा पैटर्न चल रहा है, 1, 5, 9 फिर 13 होगा फिर 17 होगा, और जो दूसरी एपी है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, 5, 9, 13, मतलब एक एपी जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही है 1, 5, 9, दूसरी एपी स्टार्ट हो रही है 5, 9, 13 से। अब इन दोनों को जरा कंसिडर करते हैं और जरा देखते हैं इनकी जनरल टर्म क्या है। सबसे कंसिडर करो पहली एपी को, 1, 5 और 9, इस वाली एपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1d। a यहाँ पे 1 है, n आपको नहीं पता, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 4 है, तो ये हो जाएगा 1 plus 4n minus 4, ये हो जाएगा 4n minus 3। तो a जनरल टर्म तो आपने निकाल ली, तो दूसरी कौन सी है, दूसरी है 5, 9, 13। अब जरा इसको निकालते हैं, 5, 9, 13, अगेन जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस एन माइनस 1d, तो a यहाँ पे क्या 5, n आपको नहीं पता, कॉमन डिफरेंस अभी भी 4 है, 4n minus 4, सॉल्व करो ये हो जाएगा 4n plus 1। ये करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी जनरल टर्म लिखनी है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो एस जनरल टर्म ऑफ द गिवन सीरीज इज, जो इसकी जनरल टर्म है ना वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी जनरल टर्म हो जाएगी 1 upon, देखो हर टर्म में 1 आ रहा है, उसका मतलब जनरल टर्म होगी उसमें भी 1 आएगा, कोई नई बात नहीं है। अच्छा डिनोमिनेटर में 1, 5, 9, इसकी जनरल टर्म क्या है, 4n minus 3, अब देखो 4n minus 3 मल्टीप्लाई बाय दूसरी थी 5, 9, 13, ये क्या आई है 4n plus 1। तो ये जनरल टर्म है बच्चों इस सीरीज की, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाह रहे हो n की वैल्यूज पुट कर लो, जब n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करोगे तो आंसर देखना 5 आ रहा होगा, n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करोगे तो देखना आंसर 9 आ रहा होगा, मतलब ये वाली टर्म आपके पास आ जाएगी। आप कोई भी n की वैल्यूज पुट करो आपके पास टर्म्स आ जाएंगे। अब जनरल टर्म तो आपके पास आ गई, लेकिन क्या मैं इसको सिग्मा नोटेशन से कर सकता हूँ, सिग्मा नोटेशन से तो नहीं होगी ये, सिग्मा नोटेशन में नॉर्मली n जो है वो ऊपर हुआ करता था जब आप यहाँ पे अप्लाई करते थे, तो आप इस चीज को तो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप इस चीज को सॉल्व नहीं कर सकते, एन स्क्वायर को तो सॉल्व कर सकते हो, 1 upon n square को कैसे करोगे, और एक और बात, 1 upon n square आएगा कैसे, जब आप इसको सॉल्व करोगे आप यहाँ पे एलसीएम भी ब्रेक नहीं कर पाओगे, इसका मतलब सिग्मा नोटेशन से काम नहीं होगा। कितने सवाल ऐसे थे कि जिसमें जनरल टर्म निकाल के आपने सिग्मा नोटेशन यूज की थी, लेकिन यहाँ पे वो काम नहीं कर सकते आप। इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई करना है, मेथड ऑफ डिफरेंस का अप्लाई होगा जब आप इसको सीरीज को तोड़ दोगे, और तोड़ोगे किस तरीके से, पार्शियल फ्रैक्शन से, इसका मतलब पार्शियल फ्रैक्शन वाली वर्किंग आ गई है। अब इसको जरा हम होल्ड पे रखते हैं, ठीक है, इसको फॉर एग्जांपल कहना चाहो तो 1 कह दो। अब आप इस फ्रैक्शन को कंसीडर करो जो जनरल टर्म है, जनरल टर्म क्या है, 1 upon 4n minus 3, 4n plus 1। जनरल टर्म में क्या ब्रेक किस तरह करोगे, a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर, लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दो 4n minus 3, 4n plus 1 से, सेम जो आपकी राइट हैंड साइड है ना, a अपॉन 4n minus 3 प्लस b अपॉन 4n plus 1, राइट हैंड साइड को भी आप यहां पे मल्टीप्लाई कर दो 4n minus 3, 4n plus 1। तो मैंने क्या किया, मैंने जो यहाँ पे डिनोमिनेटर था इस डिनोमिनेटर को लेफ्ट और राइट दोनों पे मल्टीप्लाई कर दिया। आप लेफ्ट और राइट पे कोई भी काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेफ्ट पे दोनों तरफ राइट, लेफ्ट राइट पे दोनों तरफ ऐड कर दो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, दोनों तरफ आप कुछ भी करना चाहो कर सकते हो। अब होगा क्या कि ये चीज तो पूरी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे बचेगा 1। जब इस पहले फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4n minus 3, 4n minus 3 कैंसिल हो जाएगा,
ए के साथ क्या बन जाएगा, 4n+1। इसी तरीके से जब इस दूसरे फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो 4n+4n+ कैंसिल, पीछे बचेगा 4n-3, ये बचेगा, ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यहां पे इक्वल है, आप यहां पे n की वैल्यूज पुट करके मतलब आप दोनों तरफ n की वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि दरमियान में इक्वल का साइन आ रहा है। ये पाइथन एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी वो चीज होती है जो n की कोई भी वैल्यू आप वहां पे पुट करो वेरिएबल की, वो सेटिस्फाई हो रही होती है। जैसे आपके पास एक सिंपल फॉर्मूला है x²-1 x-1 x+1, इसको आप इक्वेशन तो बोलोगे लेकिन ये कौन सी इक्वेशन है, आइडेंटिटी है। क्यों? आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो लेफ्ट और राइट पे, आंसर आपका हमेशा सेटिस्फाई हो रहा होगा। आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो लेफ्ट और राइट हमेशा बराबर होगी, इसको आप आइडेंटिटी कहते हो। एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसको आप कंडीशनल इक्वेशन कहते हो। कंडीशनल इक्वेशन ये होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आप कोई रेंडम वैल्यू पुट नहीं कर सकते, कोई खास वैल्यू पुट करोगे तो लेफ्ट और राइट बराबर होगी। वो कौन सी वैल्यू की? अगर मैं x की जगह 1/2 पुट करूंगा तो लेफ्ट और राइट बराबर होगी, किसी और वैल्यू पे लेफ्ट और राइट बराबर नहीं होगी। जबकि यहाँ पे यार लेफ्ट और राइट में x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो बराबर होगी। तो इसको आप कहते हो आइडेंटिटी, इसको आप बोलते हो कंडीशनल इक्वेशन। है दोनों इक्वेशन, लेकिन एक आइडेंटिटी इक्वेशन है, एक कंडीशनल इक्वेशन। तो ये एक आइडेंटिटी है, अगर आप देखो तो ये सिंपल आपकी एक आइडेंटिटी नजर आ रही है। इसमें आप करोगे क्या, आप अपनी तरफ से n की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। जूम में क्या इशू आया है? अच्छा, तो आप n की जगह यहाँ पे 3/4 पुट कर दो। जैसे मैं n की जगह 3/4 पुट करूंगा तो ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी। आप यहाँ पे n की जगह 3/4 पुट करोगे ना, 4 से 4 कैंसिल, 3-3 जीरो होता है, तो ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी। यहां से मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। ये मेथड है जिससे हम a की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। तो मैंने n की वैल्यू 3/4 पुट करो, फॉर एग्जाम्पल उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। यहां पे भी n की जगह 3/4 पुट करो, ठीक है, और यहाँ पे n की जगह 3/4 पुट करो, जीरो हो जाएगा। लिखो ना लिखो बात देखिए, यहाँ पे आपस में कैंसिल हो रहा है, 3+1 क्या होता है, 4 के बराबर होता है। इस 4 को जाके यहाँ पे डिवाइड करवा दो, a की वैल्यू यहाँ पे 1/4 आ रही है। इस तरीके से आप a निकाल लोगे यहाँ। अब रही बात b निकालने की, b कैसे निकालोगे? अगेन वही, आप n की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन हम ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि जिससे a जीरो हो जाए। जैसे a जीरो होगा मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी। अब a कैसे जीरो होगा? अगेन आप 4n+1 को जीरो के बराबर रखो। 4n+1 को जब जीरो के बराबर रखोगे, n की वैल्यू यहाँ पे -1/4 आएगी। इसका मतलब आप n की वैल्यू -1/4 पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, वहां से आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बाकी सॉल्व करवाता हूँ। अच्छा, तो अब आपने क्या पुट करना है, n की जगह -1/4 पुट करना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, a आपका कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड पे तो n नहीं आ रहा, तो ऐसे ही रहने दो उसको, उसमें तो कुछ पुट नहीं करोगे आप। यहाँ पे n की जगह अगर आप -1/4 पुट करोगे, 4 से 4 कैंसिल, -1+1 जीरो हो जाएगा, तो a तो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आप पुट कर दो b की जगह पे, 4 × n की जगह पुट कर दो -1/4, तो क्या सिचुएशन बनेगी यहाँ पे? 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -1 -3 ये हो जाएगा -4, और यहां से b की वैल्यू आ जाएगी -1/4। जैसे आपके पास a और b आ गया, इसका मतलब आप इस चीज को आप डिफरेंट अंदाज में लिख सकते हो। कैसे? ये जो 1 है ना, इस 1 को मैं इस तरह लिख सकता हूं। पहले जो जनरल टर्म लिखी हुई थी 1/4n-3 4n+4, ये जो पूरी चीज थी ये इसके बराबर है। अब हमने a और b निकाल लिया, अब जरा पुट कर दो यहाँ पे a और b की वैल्यू। a की वैल्यू थी 1/4 1/4 4n-3। अच्छा, दरमियान में b है ना, b की वैल्यू नेगेटिव है, तो दरमियान में नेगेटिव आ जाएगा, और b की वैल्यू है 1/4, मतलब उसका माइनस मैंने दरमियान में लिख दिया, और फैक्टर है 4n+1। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, a और b की वैल्यूज पुट कर दिए। अच्छा, अगर आप चाहो तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो देखना इसके बराबर आ रहा होगा, क्योंकि ये वाली चीज और ये वाली चीज बराबर होगी ना आपस में। आप जरा इसको सिंप्लीफाई करना, एलसीएम लेकर सॉल्व करना, देखना इसके बराबर आ रहा होगा। चेक भी कर सकते हो आप लोग। तो खैर, ये जो पूरी चीज थी, आपने बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन इसको 2 फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया। और वजह आपकी क्या थी? वजह ये थी कि आप वो मेथड और डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे थे। अब अगर आप देखो तो जनरल फॉर्म के अंदर मौजूद है। कैसे? अगर आपको याद हो 1/4 को तो कॉमन ले लेते हैं ना, जरा साइड पे करते हैं उसको, तो इसका तो कोई काम नहीं है। ये हो जाएगा 1/4n-3, ये हो जाएगा 1/4n+1। अब आप कैसे चेक करोगे कि यार वो समेशन वाला फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पे, नहीं लग सकता?
मेथड क्या है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एक है, एक होगा एफ ऑफ एन और दूसरा होगा एफ ऑफ एन प्लस वन। क्या ये चीज वैलिड है यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो पहली वाली चीज है ना, इसको आप एज्यूम कर लो कि एफ ऑफ एन है। ये जो पहली चीज है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं एफ ऑफ एन है। अच्छा सवाल ये एफ ऑफ एन प्लस क्या होगा भाई, मैंने आप लोगों को फंक्शन के चैप्टर में ही बताया था एफ ऑफ एन प्लस वन का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे एन है ना उसकी जगह पे क्या पुट कर दो, एन प्लस वन पुट कर दो। तो अगर एफ ऑफ एन इसके बराबर है तो एफ ऑफ एन प्लस क्या होगा, मैं सिंपल यहाँ पे एन की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, एन प्लस वन पुट कर दूंगा। तो जो पूरा फॉर्मूला है फंक्शन का, इसमें एन की जगह पे आप पुट कर दो एन प्लस वन, ठीक है। सॉल्व करना, फोर को एन से करोगे फोर, एन फोर को वन से करोगे फोर, फोर माइनस थ्री क्या होता है वन के बराबर। एग्जैक्ट यही चीज आपके पास आ रही होगी, सॉल्व करके देख लेना। तो ये करने से मुझे नतीजे एक्सेप्ट करने का मुझे फायदा क्या हुआ, फायदा ही हुआ कि अगर मैं पहली चीज को मानूंगा एफ ऑफ एन तो दूसरी चीज क्या बनेगी, दूसरी चीज बनेगी एफ ऑफ एन प्लस वन। और अगर मुझे नजर आ रहा है कि एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एन प्लस वन है, इसका मतलब है सिग्मा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम डायरेक्ट जरा सम मालूम करते हैं, तो सिग्मा वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सिग्मा वाला फॉर्मूला में क्या बताता था, ये जनरल टर्म है। अब आप सिग्मा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट आप सिग्मा नहीं अप्लाई कर सकते थे लेकिन आपने थोड़ी सिंप्लीफिकेशन की, पार्शियल फ्रैक्शन की, आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इस 1/4 को तो सिग्मा से बाहर करते हैं सबसे पहले। अच्छा अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1/4n-3 - 1/4n+1 ये बचेगा। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो जनरल टर्म थी ना, अब यहाँ पे आ जाएगा एस, क्योंकि ये जनरल टर्म थी, ये पूरी जनरल टर्म है जिसका आपने सिग्मा अप्लाई किया। तो जब जनरल टर्म पे आप सिग्मा अप्लाई करते हो उसका मतलब आप सम कर रहे होते हो, तो आपके पास सीरीज का सम आ जाएगा जो आप यहाँ पे निकालना चाह रहे थे। अब बस आपने इसको सॉल्व करना है, जो इसका आंसर होगा वो आपकी सीरीज का सम होगा। अब रही बात सॉल्व कैसे करेंगे, वो फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैंने आप लोगों को बताया था। क्या फॉर्मूला था, सेंस एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एन प्लस वन, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एन प्लस वन के। इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है और यहाँ पे आपने पुट कर देना 1/4 अपनी जगह पे। भाई इसका आंसर क्या होगा, अभी मैंने आप लोगों को बताया है ये एफ ऑफ एन है और ये एफ ऑफ एन प्लस वन है। तो एग्जैक्ट देखो वही चीज है, एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एन प्लस वन, इसका मतलब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इस पूरी चीज का सम जो है वो इसके बराबर होगा। ये चीज क्या है, ये कहती है कि फंक्शन के अंदर जो एफ ऑफ एन था ना उसमें एन की जगह पे आप वन पुट कर दो। तो यहाँ पे एन की जगह पे मैं वन पुट कर देता हूँ, ठीक है। और जो दूसरी टर्म है उसको एज इट रहने दो, जो एफ ऑफ एन प्लस वन वाली टर्म है वो एज इट रहेगी, उसको छेड़ने की जरूरत, ठीक है। अब इस पहली वाली टर्म को सॉल्व करो, 4 × 1 = 4, 4 - 3 = 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे सिंपल 1 आ जाएगा, 1 - 4n + 1। मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हो आप इसको, न्यूमरेटर को सॉरी ये ब्रैकेट लिखी हुई, 4n + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस कर दो 1 से अपॉन 4n + 1, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, ये वाला 4 इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा n अपॉन 4n+1। ये बच्चों आपके पास सीरीज का फॉर्मूला है। सारी जो मेहनत आपकी करनी थी, जो सारी मेहनत थी वो आपकी यही थी, किसी तरह आपके पास सीरीज का फॉर्मूला आ जाए। अब आप इस फॉर्मूले को चेक भी कर सकते हो कैसे, वही जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, एन की वैल्यूज पुट करो आपके पास आंसर आता जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास सीरीज है, इसमें पहली टर्म क्या है सॉल्व करो 1/5 और दूसरी क्या है 1/45। आप इसको ऐड करके देख लो, जो भी आंसर आ रहा है अपने पास लिख लो। आप इसके अंदर अगर एन की जगह 2 पुट करोगे तो सेम यही आंसर आ रहा होगा जो इसको ऐड करने पे आया है। अगर आप एन की जगह 3 पुट करोगे तो शुरू की 3 का सम आना चाहिए। तो दोबारा मेथड बताता हूँ कि आपने क्या करना है। 5.3 के अंदर तो आपके पास सिंपल सीरीज होती थी, उनका डिफरेंस या डिफरेंस एपी में होता था, जीपी में होता था, आप मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करके आसानी से निकाल लिया करते थे। 5.4 में जो आपको सवाल नजर आएंगे उसमें क्या होगा, मेथड ऑफ डिफरेंस की जनरल फॉर्म गिवन होगी, ऐसा सीरीज आपको डायरेक्ट नजर नहीं आएगी कि मैं उस पर डायरेक्ट अप्लाई कर दूं मेथड ऑफ डिफरेंस। आप यहाँ पे इसकी जनरल टर्म निकालोगे, जनरल टर्म निकालने के बाद आप किसी तरह पार्शियल फ्रैक्शन में उसको पार्शियल फ्रैक्शन सवाल करके तोड़ दोगे। तोड़ने का फायदा क्या होगा, देखो अभी तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है इसका, जनरल टर्म निकाल भी लें हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, लेकिन जब हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देंगे अब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यार मैं इसमें पार्शियल जो मेथड ऑफ डिफरेंस है वो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो जैसे ही वो उस फॉर्म में टूटेगा पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में, मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई होगा, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, आपका लाइफ होगा, आपके सवाल जो कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर एन की कोई वैल्यू दी जाती है कि फॉर एग्जांपल 50 टर्म्स तक, तो फिर आप एन की जगह यहाँ पे 50 पुट कर देते हैं। जैसे मैंने बताया है
फॉर्मूला के फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाए एन 50 ग्राम तक आपने सम करना है, तो यहां तक की वर्किंग सेम है, कुछ नहीं आपने करना, यहां तक एग्जैक्ट वही काम करना है, कोई नया काम नहीं करना आपने, ठीक है। ये फॉर्मूला मेंशन करोगे, उसके बाद क्या होगा आपको पता है, एन यहाँ पे क्या है 50 है, तो फॉर्मूला कहता है पूरी चीज इसके बराबर होगी एफ ऑफ वन, आप सबसे पहले वन ही पुट करोगे, कोई चेंजिंग नहीं करनी आपने, बस यहाँ पे एन की जगह पे आप क्या पुट करोगे 50 पुट करोगे। तो जो दूसरी टर्म है ना, इसमें एन की जगह पे यहाँ पे आप 50 पुट कर दोगे, ये फर्क पड़ेगा, बाकी कोई फर्क नहीं होगा यहाँ पर। कल 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1-2 जो थे उसमें से मैंने एक करवा रही थी, मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था मैंने, और ये जो एक्सरसाइज चल रही थी इस एक्सरसाइज का नाम है मेथड ऑफ डिफरेंस, मतलब जो टॉपिक आप यहाँ पे पढ़ रहे हो मेथड ऑफ डिफरेंस का, मेथड ऑफ डिफरेंस मैंने कल भी बताया था कि किसी सीरीज का अगर आप सम निकालो उसकी कंसेक्यूटिव टर्म को सब्ट्रैक्ट करके, तो ये जो मेथड कहलाता है इसको मेथड ऑफ डिफरेंस कहते हो। डिफरेंट सीरीज होती है, डिफरेंट मेथड हम उन पे अप्लाई कर रहे होते हैं, किसी पे कोई मेथड वर्क कर रहा होता है, किसी पे कोई कर रहा होता है, तो हम इस एक्सरसाइज में जो सीरीज पढ़ रहे हैं इन पे मेथड ऑफ डिफरेंस वर्क कर रहे हैं, तो हम ये अप्लाई कर रहे होते हैं, उनको सॉल्व कर रहे होते हैं। बाकी पुरानी एक्सरसाइज में आपने डिफरेंट मेथड पढ़े थे, एजीबी के मेथड पढ़े थे, सिग्मा नोटेशन वाला आपने देखा था कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर या क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, 5.3 में भी आपने मेथड ऑफ डिफरेंस देखा था, 5.4 में भी आप मेथड ऑफ डिफरेंस देख रहे हो। तो डिफरेंट टेक्निक है, जिसमें इस पूरे चैप्टर का मेन मकसद ये रहता है कि डिफरेंट किस्म की सीरीज हो और आपने उनको सीखना है कि यार मैं इसको ऐड कैसे करूंगा। तो ये आखिरी बस टेक्निक थी जो आप लोग पढ़ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में सिमिलैरिटी ये कि एन टर्म्स तक आप करते थे, तो प्रोसेस मैंने कल आप लोगों को क्या बताया था, सिंपल प्रोसेस ये था कि आप जनरल टर्म निकालोगे, जनरल टर्म निकालने के बाद उसको तोड़ोगे छोटी छोटी दो फ्रैक्शंस के अंदर, फिर आप उस पे मेथड ऑफ डिफरेंस का जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कल वो अप्लाई करोगे और डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा, मतलब सम का फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, इनकी खास बात ये है कि इसमें एन टर्म्स नहीं है, इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है। तो पहले तो सिग्मा रोटेशन में आप क्या कहते थे, 1 से लेके n तक आपने जाने हैं, अब 1 से लेके इन्फिनिटी तक आप जाओगे तो थोड़ा मसला हो जाएगा, तो जरा देखेंगे उस मसले को हमने कैसे डील करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा है, उसी को देखते हैं। अगर लेट करना चाहो तो इसको लेट कर लेना कि ये पूरी चीज s के बराबर है, मतलब सम के बराबर है। अब आ जाओ सॉल्यूशन के ऊपर, देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले कल भी हमने यहाँ पे जनरल टर्म निकाली थी, आपको देखो एनएस टर्म तक तो नहीं जाना, यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म तक जाना है, लेकिन जनरल टर्म तो हर सीरीज की होती है ना, जनरल टर्म ये मैटर नहीं करता कि एनएस टर्म आप निकालना चाह रहे हो या इनफाइनाइट निकालना चाह रहे हो। जनरल टर्म का मकसद ये होता है कि आपको तीसरी टर्म निकालनी है, आपको 10वीं टर्म निकालनी है, आपको 20वीं टर्म निकालनी है, जनरल टर्म निकालो उससे आपको ये सारी टर्म मिल जाएगी। तो जनरल टर्म तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो डिपेंड नहीं करता वो एनएस टर्म तक जाना है इनफाइनाइट टर्म तक जाना है, जनरल टर्म तो पहले निकालते हैं और देखते हैं जनरल टर्म से हम क्या क्या पॉसिबिलिटीज कर सकते हैं। जनरल टर्म कैसे निकालोगे, अगर आप देखो ऊपर न्यूमिनेटर में तो 1 है, तो जो जनरल टर्म होगी उसमें भी 1 आ रहा होगा। डिनोमिनेटर में आपके पास 3 अरिथमेटिक सीरीज या सीक्वेंस आपके अनु चल रही है, 1, 5, 9, एक है 5, 9, 13 और फिर आगे चलती जाएगी, एक है 9, 13, 17 हो गया। तो ये 3 असल में एक ही है, बस इनकी फर्स्ट टर्म का फर्क है। तो हम जरा कंसीडर कर लेते हैं, सबसे पहले आप कंसीडर करो, इसको कंसीडर करना है 1, 5, 9, इसको कंसीडर करना है। तो इस पे अगर आप जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाओगे तो फर्स्ट टर्म पहले लिख लो फॉर्मूला, चलो ठीक है। अब जरा फर्स्ट टर्म यहां पे क्या है, 1, कॉमन डिफरेंस यहां पे है 4, तो ये हो जाएगा 1 + 4n - 4, सॉल्व करो ये हो जाएगा 4n - 3, तो एक तो जनरल टर्म यह आ जाएगी। फिर दूसरी यहां पे क्या गिवन है, दूसरी यहां पे गिवन है 5, 9, 13, अब जरा इसको कंसीडर कर लेते हैं। बस इस अरिथमेटिक में फर्क एक है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस भी सेम है, फर्स्ट टर्म का फर्क है, इसकी फर्स्ट टर्म 5 थी इसकी फर्स्ट टर्म 1 है, तो फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस अभी भी इसका 4 है, 4n - 4 ये हो जाएगा 5 - 4 क्या होता है 1 के बराबर, तो ये इसकी जनरल टर्म आ जाएगी। रही बात अब तीसरी, तीसरी क्या है यहां पे 9, 13, 17 सेम वही ही है, कोई फर्क नहीं है, बस फर्स्ट टर्म इसकी अलग है, इसकी फर्स्ट टर्म 9 है और जो कॉमन डिफरेंस है अभी भी 4 है, 9 + 4n - 4, 9 - 4 क्या होता है 5 के बराबर। तो ये आपने क्या किया, अलग अलग इनकी जनरल टर्म निकाल लिए। अब वक्त आ गया इस सीरीज की जनरल टर्म निकालने का, और जरा निकाल लेते हैं, हेंस जनरल टर्म ऑफ गिवन सीरीज इज, क्या जनरल टर्म होगी, देखो सब में ऊपर 1 आ रहा है तो जनरल टर्म में भी ऊपर 1 आएगा, कोई खास बात नहीं है।
जो पहली सीरीज जो पहली थी 159, उसकी जनरल टर्म क्या है? 4n-3, 4n-3। दूसरी क्या है? 4n+1। और तीसरी क्या है? 4n+5। ये जनरल टर्म है इसके। अब अगर आप लोगों को याद हो, एक्सरसाइज 5.1 में जनरल टर्म आप निकाल लिया करते थे। जनरल टर्म निकालने के बाद सिग्मा अप्लाई करते थे, आपके पास एन स्क्वायर एन क्यूब या याद था, आप फॉर्मूला पुट करके सॉल्व कर लिया करते थे। यही चीज आप 5.3 में भी करते थे। 5.3 में जनरल टर्म निकालने का तरीका क्या होता था कि आप उस सीरीज को सब्ट्रैक्ट करते थे अपने में से और वहां से जनरल टर्म निकाल लिया करते थे। जनरल टर्म निकालने के बाद आप सिग्मा रोटेशन अप्लाई करते थे, वही एन स्क्वायर एन या होता था, आप सॉल्व कर लिया करते थे। यहाँ पर हमने जनरल टर्म तो निकाल लिया, लेकिन सिग्मा रोटेशन जब अप्लाई करोगे तो उसके बाद कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे एन स्क्वायर एन क्यूब नहीं आएगा, ये डिनोमिनेटर में चले गए सारे के सारे। इसका मतलब जो 5.1 5.3 में जो टेक्निक्स पढ़ी थी आपने कि एन स्क्वायर एन क्यूब आएगा तो वैल्यूज फॉर्मूले पुट कर देंगे, वो काम यहाँ पे वैलिड नहीं है। तो कल हमने क्या सीखा था कि इस पे एक ही काम वैलिड है, वो है पार्शियल फ्रैक्शन। क्या आपने इस पूरी फ्रैक्शन को तोड़ना होगा छोटी छोटी फ्रैक्शन के अंदर, और उसके बाद हम जो करेंगे वो आगे देखी जाएगी क्या करने वाले हैं। तो आपको एक ही काम करना है कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है। अब रही बात कि पार्शियल फ्रैक्शन में आप तोड़ोगे कैसे, इस पे आ जाओ। ये फ्रैक्शन है, कल भी मैंने बताया था कि पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने का तरीका क्या होता है कि आपका जो डिनोमिनेटर, सबसे पहली जो आपकी फ्रैक्शन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर का मतलब उसकी न्यूमरेटर की डिग्री छोटी हो, डिनोमिनेटर की बड़ी होनी चाहिए। देखने में आपको लग रहा है डिनोमिनेटर में एन क्यूब आएगा, मतलब डिग्री 3 होगी, जबकि न्यूमरेटर में तो कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है, कॉन्स्टेंट की डिग्री 0 होती है। तो न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है, डिनोमिनेटर की बड़ी है, ये तो देखने में आपको नजर आ रहा है। तो ये प्रॉपर है, मतलब आप इसको तोड़ सकते हो छोटी छोटी फ्रैक्शंस के अंदर। अब रही बात क्या डिनोमिनेटर फैक्टर की फॉर्म है, बिल्कुल देखो फैक्टर की फॉर्म है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस तरीके से। तो इसका मतलब आपको कोई चीज रोक नहीं सकती इसको तोड़ने से, आप आसानी से इसको ब्रेक कर सकते हो। कैसे ब्रेक करोगे, आप लिखो इसको फ्रैक्शन को पूरा, 4n-3, 4n+1, 4n+5। अब आप इसको छोटी छोटी फ्रैक्शन में तोड़ो कैसे, आप लिखो a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर प्लस c अपॉन तीसरा फैक्टर, यहां पे ब्रेक कर दिए। अब आपकी सारी कोशिश होनी चाहिए किसी तरह मैं a b c की वैल्यूज निकाल लूं। ये वैल्यूज मुझे क्या बताएंगी, ये वैल्यूज मेरा मसला हल कर देंगी। असल में आप कहना चाह रहे हो कि ये चीज बराबर है इन फ्रैक्शंस के सम के, तो इन फ्रैक्शन में अननोन क्या है, एबीसी। अगर आपने एबीसी निकाल लिया, इसका मतलब इस पूरी चीज को आप इस तरह लिख सकते हो, और इस तरह लिखने से काफी आसानी हो जाएगी हमें। तो हमारा सारा गोल होना चाहिए एबीसी की वैल्यू निकालने के। कल मैंने पूरा मेथड ही बताया था, मैं दोबारा डिटेल में नहीं बता रहा, एक स्टेप में स्किप करवा रहा हूँ क्योंकि वो काफी लंबा स्टेप बन जाएगा पूरा। वो स्टेप मैंने कल क्या बताया था कि ये जो डिनोमिनेटर है ना, इस डिनोमिनेटर से आपने लेफ्ट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई कर देना है और राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इस डिनोमिनेटर को इस लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करोगे, एज्यूम करोगे पूरी चीज जब आप यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी, आंसर क्या बचेगा, सिंपल 1 बचेगा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर था उसी से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिनोमिनेटर भी कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसी तरह राइट हैंड साइड पे जब आप इस पूरी चीज को मल्टीप्लाई करोगे, तो कल मैंने डिटेल में चीज बताई थी, मैं शॉर्ट करके बता रहा हूं आप लोगों को, जब ये पूरा डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगा, मतलब राइट हैंड साइड की तीनों फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा बारी बारी, तो जब पहली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा ना ये पूरी चीज, ये एज्यूम कर लो पूरी चीज ऊपर लिखी हुई है, तो जब मल्टीप्लाई होगी तो 4n-3 4n-3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, a के साथ दो चीजें आ जाएंगी 4n+1 और 4n+5, क्योंकि 4n-3 4n-3 कैंसिल हो जाएंगे। ये कल आप लोगों को बताया था कैसे कैंसिल हो रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जब b से ये पूरी चीज मल्टीप्लाई करोगे तो 4n+1 4n+ कैंसिल, पीछे ये दो चीजें बच जाएंगी 4n-3 और 4n+5। इसी तरीके से जब 4n+5 के कैंसिल हो जाएंगे, c के साथ बचेगा 4n-3 4n+1, ये सॉल्यूशन है। उसके बाद हमने कल मेथड पढ़ा था कि यार हमें यहाँ पे a b c की वैल्यू निकालनी है, तो a b c की वैल्यू कैसे निकालो, आप कुछ ऐसी n की वैल्यू पुट करो। अब यहां पे तो 3 अननोन है, तो आपको बैक वक्त 2 को 0 करना पड़ेगा। अगर आप किसी तरह b और c को 0 कर दो, a की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट, लेकिन मैं अपनी तरफ से जीरो नहीं कर सकता, कुछ मतलब मैथमेटिकल कुछ उसके पीछे प्रूव होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम क्या मेथड अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है, कल भी बताया था मैंने, यहाँ आप एन की जगह कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, लेफ्ट राइट बराबर ही होगी, आपको अलाउड है कुछ भी एन पुट कर लो। तो आपने वो एन पुट करना है जो आपके फायदे का है, जो बी और सी को जीरो कर दे तो आपके पास डायरेक्ट ए आ जाएगा।
अब सवाल है ऐसी कौन सी एन की वैल्यू है जो बी और सी को जीरो कर रही है। आपने ये देखना है कि बी और सी के अंदर ऐसी क्या चीज है जो ए के अंदर नहीं है। तो अगर आप ध्यान से गौर मतलब अगर गौर करो तो आप देखोगे 4n-3, 4n-3 ये बी और सी दोनों के अंदर है, ए के अंदर आपको नजर नहीं आ रहा। तो अगर किसी तरह 4n-3 को जीरो कर दो तो ये वाली चीज भी जीरो हो जाएगी, ये वाली चीज भी जीरो हो जाएगी। अब 4n-3 को जीरो कैसे करेंगे, रफ वर्क पे आप सॉल्व करो। 4n-3 जीरो कब होगा, जब n की वैल्यू होगी 3/4, तो आप n की जगह 3/4 पुट कर दो। एज्यूम कर लो इक्वेशन नंबर 1 है, आप इसमें n की जगह 3/4 पुट कर दो। जब आप n की जगह 3/4 पुट करोगे तो ये वाला फैक्टर भी जीरो हो जाएगा, ये वाला भी जीरो हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे तो 1 ही बचेगा। राइट हैंड साइड पे यहां पे वैल्यू पुट कर दो, n की जगह पे आप पुट करोगे 3/4, दोबारा यहां पे पुट करो n की जगह पे 3/4, और बच्चों ये दोनों जो है तो जीरो हो जाएंगे। दिखाने की जरूरत नहीं है, वो लंबा हो जाएगा बहुत, लेकिन नजर आ रहा है कि 3/4 पुट करोगे चीज जीरो हो जाएगी, इस तरह से भी जीरो हो जाएगा। अब रही बात सॉल्व करने की, देखो 4 से 4 कैंसिल 3+1 4 3+5 8 4 8 का क्या होता है 32, 32 को डिवाइड कर दो, इसका मतलब ए की यहाँ पे वैल्यू आ रही है 1/32। अब यही काम आपने बाकियों के साथ भी करना है, मैं यहाँ पे अपने स्टेप स्किप कर रहा हूँ। बाय द वे इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है जो ई कैट लेवल पे बताई जाती है, ये टॉपिक असल में तो सेकेंडरी में हुआ करता था, मैं वो ट्रिक लगा के डायरेक्ट बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ। यही काम करना है, बस इसको थोड़ा शॉर्ट अंदाज में किया था पूरा। तो डायरेक्ट आपने क्या करना है, मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ, आप लोगों ने पूरा प्रोसेस करना है इसका, क्योंकि अगर सवाल आएगा तो लॉन्ग के अंदर आएगा, शॉर्ट के अंदर तो आ भी नहीं सकता ये। तो आपने अब क्या करना है, ए आ गया ना, अब आपने बी निकालना है, बी में भी वही काम करना है, ऐसा फैक्टर ढूंढो जो बी के अंदर नहीं है और बाकी दोनों के अंदर है। 4n+1 दोनों के अंदर मौजूद है, बी के अंदर नहीं है। तो 4n+1 को जीरो रखोगे तो एन की वैल्यू क्या आएगी, -1/4, ये पुट करोगे तो आपके पास बी आ जाएगा। अब जरा मैं हम देखते हैं बी कैसे आएगा। अच्छा, इसकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक होती है कि इस वाली चीज को छोड़ो और इसके अंदर n की वैल्यू -1/4 पुट करो, 4 से 4 कैंसिल -4 हो जाएगा और -1+5 ये +4 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -1/16। तो जो b है ना, सॉल्व कर लेना आप लोग, इसका आंसर आएगा -1/16। वही काम जो आपने यहाँ पे किया ना, मैंने बस डायरेक्ट कर दिया, कोई ऐसा फर्क नहीं है, एक ही बात है। अच्छा, अब रही बात सी की वैल्यू निकालनी है, सी में ऐसा कौन सा फैक्टर है 4n+5 जो ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी है, लेकिन सी के अंदर नहीं है। तो 4n+5 को जीरो कर दो, एन की कौन सी वैल्यू पे, एन की वैल्यू -5/4 है, तो आप पुट कर दो। अच्छा, आपने पूरा करना है, शॉर्टकट नहीं लगाना है यहाँ पे, इसको छोड़ के यहाँ पे आप पुट कर दो एन की वैल्यू -5/4, 4 से 4 कैंसिल -5 -3 -8, इसी तरह 4 से 4 कैंसिल -5 +1 -4, मल्टीप्लाई करो, ये हो रहा है 1/32। तो इसका मतलब सी की भी वैल्यू क्या आ रही है, 1/32। जैसे ए बी सी आ जाए, अब आप इस पूरी फ्रैक्शन को इन फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, और जैसे ही आप इन फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे, हम फॉर्मल सिग्मा ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और उस समय वो आसानी से मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो जनरल टर्म जो है ना, वो अब आपकी क्या बन गई है, ये टर्म मैं लिख रहा हूँ, आप लोग पेपर में लिख देना, कि असल में आपकी जनरल टर्म ये थी 1/4n-3 4n+1 4n+5, और ये पूरी फ्रैक्शन आपने पूरी मेहनत करके, अब आप इस बात को जानते हो कि पूरी फ्रैक्शन किसके बराबर है, किसके बराबर, a क्या है यहाँ पे 1/32, तो 1/32 डिवाइडेड बाय 4n-3। इसी तरीके से ये माइनस जो है मैं दरमियान में लिख रहा हूँ, ठीक है, b की वैल्यू क्या है 1/16 डिवाइडेड बाय 4n+1, फिर c की वैल्यू 1/32 डिवाइडेड बाय 4n+5, ये पूरी जनरल टर्म जो है उसके बराबर है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इस पूरी चीज का एलसीएम लेके सॉल्व करो, न्यूमरेटर देखना सिंप्लीफाई होके बन हो जाएगा पूरा, मतलब इन तीनों फ्रैक्शन को अगर आप ऐड करोगे ना, जैसे अलजेब्रा में आपने फ्रैक्शन को ऐड करना सीखा है, तो देखना यही चीज आ रही होगी, कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर, लेकिन इसको डील करना मुश्किल है, इसको डील करना आसान है, दैट्स व्हाई हमने सॉल्व में कन्वर्ट कर लिया। अब वक्त आ गया, ये तो जनरल टर्म है ना, जनरल टर्म का हमने क्या करना है, असल में तो हमें सम मालूम करना है, सम मालूम करने के लिए क्या करोगे, सिग्मा अप्लाई कर दोगे, सिग्मा क्या करता है, सम कर देता है। तो अब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे एस लिख रहा हूं क्योंकि अब मुझे सम मिलेगा, ठीक है, मैं यहां पे अप्लाई करूंगा सिग्मा, ठीक है, उसकी वैल्यूज क्या होंगी, उसकी वैल्यूज होगी 1 से लेके इंफिनिटी, क्योंकि सवाल में आपको क्या बोला है, इनफाइनाइट टर्म तक करना है, तो आप सबसे पहले इसमें 1 पुट करोगे इस पूरी जनरल टर्म के अंदर, फिर 2 पुट करोगे, फिर 3 पुट करोगे, और आपने करते जाना है अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक, और फिर उनको ऐड करना है और आपको बताना है कि इसका सम क्या आ रहा है।
इतनी लंबी फॉरी करनी है। तो जनरल टर्म जो भी आपके पास आई है उसमें एन से लेके वन से लेके इन्फिनिटी तक आपने पुट करना है, तभी आपके पास सम आएगा इनफाइनाइट टर्म्स। अब इसको हम किस अंदाज में करेंगे जरा देख लो। अच्छा, इस पे कल वाला वो फॉर्मूला नहीं लग सकता जो मैंने बताया था, एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ आर प्लस वन, वो दो टर्म के अंदर हो तो लग सकता है। शायद इसको भी आप दो टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो किसी तरह, लेकिन वो मैंने गाइड में देखा था इन तीन को भी उन्होंने दो टर्म में कन्वर्ट किया होता, शायद उसमें जाने की जरूरत नहीं। इसका डायरेक्ट बुक में भी बड़ा आसान तरीका लिखा हुआ था, जरूरी नहीं कि आपने हमेशा वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, उस फॉर्मूले के बगैर भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। जो मैंने कल फॉर्मूला बताया एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ आर प्लस वन का, उस फॉर्मूले से पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि यार ये किस तरह टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही है। तो अगर आप फॉर्मूला ना भी यूज करना चाहो, डायरेक्ट मेथड यूज कर लो, तब भी आपका आंसर ठीक होगा। फॉर्मूला तो आपके लिए आसानी पैदा करता है ना कि तीन चार स्टेप आपके लिए बचा रहा है, वरना फॉर्मूले की जरूरत तो नहीं है, मेथड तो आपको पता है ना। इसी तरह जो मेथड है वो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, अगर फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा तो जो मेथड है वो अप्लाई करेंगे। मेथड क्या है? मेथड ऑफ डिफरेंस, आपस में चीजें कैंसिल होने लगेंगी, आप लोगों को नजर आ जाएगा ये। अब जरा देखो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप जरा अप्लाई कर दो। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ना, तीनों पे अलग अलग सिग्मा अप्लाई करना चाह रहा हूँ। पहले मैं जनरलाइज बात देखिए, तीनों टर्म पे अलग अलग सिग्मा अप्लाई करेंगे और इनके जो कोएफिशिएंट है उनको हम सिग्मा से बाहर कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली टर्म क्या है, 1 अपॉन 4n माइनस 3, ये पहला हो गया। फिर है 1 अपॉन 16 को बाहर निकालो, सिग्मा n 1 से लेके इनफिनिटी 1 अपॉन 4n प्लस 1। अच्छा जी, 1 अपॉन 32 को बाहर निकालो, सिग्मा n 1 से लेके इनफिनिटी, फैक्टर है 1 अपॉन 4n प्लस 5। अब देखो 1 से लेके, अब एक तरीका इसका क्या होता है, फिर वो तरीका यहां पे वैलिड नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस पे वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 पुट करोगे और फिर डॉट 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 डाल के इनफाइनाइट लिख दोगे। अब वो चीज कैसे वर्क करेगी वो आपको थोड़ी देर बाद खुद समझ आ जाएगी, थोड़ी देर रुक जाओ, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। हम क्या करते हैं, ये सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा वैल्यूज पुट करता जाता है और एड करता जाता है, तो वही काम करते हैं। सबसे पहले एन की जगह यहाँ पे वन पुट करो, फोर वन जा फोर, फोर माइनस थ्री क्या होता है, वन होता है, वन अपॉन वन सिंपल वन हो जाएगा। मतलब एन की जगह से वन पुट करोगे तो पूरी चीज वन के बराबर हो जाएगी। फिर एन की जगह टू पुट करो, फोर टू जा एट, एट माइनस थ्री फाइव, ये हो जाएगा वन अपॉन फाइव। फिर एन की जगह थ्री पुट करो, थ्री फोर जा ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस थ्री नाइन, ये हो जाएगा वन अपॉन नाइन। एटलीस्ट चार वैल्यू पुट कर लो ताकि आपको थोड़ा पैटर्न नजर आ जाए यहाँ पे। एन की जगह फोर पुट करो, फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन माइनस थ्री थर्टीन, और डॉट 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 आपको पता है इनफाइनाइट तक आपने जाना है। इसको कैंसिल बंद कर लो इसी तरीके से। अब इस पे आ जाओ, वही काम करना है, n की जगह 1 पुट करोगे यहाँ पे तो 1 अपॉन 5 आएगा, n की जगह 2 पुट करोगे तो 1 अपॉन 9 आएगा। अभी करके देखते जाना, n की जगह 3 पुट करोगे तो 1 अपॉन 13 आएगा, और ये चीज चलती जाएगी चलती जाएगी इसी तरीके से। आखिरी जो है उसको भी कंसिडर कर लो, n की जगह 1 पुट करोगे तो 9 आएगा, 2 पुट करोगे तो 13 आएगा, 3 पुट करोगे तो 17 आएगा, और चीज चलती जाएगी ऐसे। इसको भी थोड़ा और आगे कर लेते हैं, 1 अपॉन 17 भी कर लेते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर एक और कर लेते हैं ताकि 1 अपॉन 17 तक आपको कहानी नजर आती रहे, ये चीजें आपको नजर आ रही है। अब देखो मसला है कि इनफाइनाइट टर्म तक ऐड हो रही है, आप रैंडमली इनको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इनफाइनाइट टर्म तक आपने जाना है ना, तो रैंडमली कैसे ऐड करोगे, इनफाइनाइट तो आपको पता ही नहीं होता, चलती रहती है। लेकिन आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है इनके दरमियान, वो पैटर्न आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। दुनिया में यार आज तक जितनी भी कैलकुलेशन चल रही है वो ये नहीं कि आप मतलब एक्चुअल मालूम कर रहे हो, आप प्रिडिक्शन कर रहे होते हो, वेदर की आपकी प्रिडिक्शन चल रही होती है। आप एज्यूम करते हो कि भाई अभी ये सिस्टम बन रहा है, हवा का ये दबाव है, अच्छा अब बारिश इस तरह होगी, अच्छा टाइड्स अभी इतनी है, मतलब समंदर की लहरें जो है, अच्छा इतनी हवा चल रही है, फॉर एग्जाम्पल चांद इतना करीब आया हुआ, जो भी एस्टिमेशन होती है जिन पे वो लहरों पे असर पड़ रहा है, जिन चीजों का, तो आप एस्टिमेशन करते हो, सॉफ्टवेयर में डालते हो, आपको बता देता है, एस्टिमेट कर देता है, वो 100% करेक्ट नहीं होता। इसी तरीके से यहाँ पे तो करेक्ट होगा, हमें पता है कि हम यहाँ प्रेडिक्शन कर रहे हो, तो प्रेडिक्शन हमें खुद पता है क्योंकि हमें सामने सामने चीजें नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, चीजें आपस में कैंसिल होती जा रही है, कैसे, आपको यहाँ पे 1/9 नजर आ रहे हैं, यहाँ पे 1/9, मतलब इसके बाद से ना ये दोनों सीरीज सेम है, 1/9 1/9 1/13 ये सेम है, मतलब इसके बाद से ये सारी चीजें सेम है आपको नजर आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/9 1/13 1/17 यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है। तो जरा इन चीजों को ना समझते हैं वो क्या रहा है। मैं शुरू की दो टर्म इसकी कंसिडर नहीं कर रहा, इसकी शुरू की पहली टर्म कंसिडर नहीं कर रहा, मैं अभी कंसिडर कर रहा हूँ जो सेम है 1/9 1/13 17, इसी तरह यहाँ पे भी नजर आ रहा है, इसी तरह यहाँ पे भी नजर आ रहा है। अभी हम इनकी बात करते हैं, अगर आप ऑब्जर्व करो क्या लिखा हुआ 1/32, अच्छा ये आपने करके नहीं दिखाना,
या डायरेक्ट कैंसिल कर दो, आप लिख देना बाई कैंसिलेशन, सिंपल सी बात। आपको कह नहीं कह रहा आपने पूरा करके, पूरा मैथ करके दिखाना है, आप ऑलरेडी सवाल इतना बड़ा है। 1/32 और इस वाली टर्म को कंसिडर करो, ये 1/9। इसी तरह ये क्या लिखा हुआ है, 1/32 और मल्टीप्लाई करना है आपने 1/9 से। इसी तरीके से ये क्या लिखा हुआ है, -1/16 और मल्टीप्लाई करना है 1/9 से। अगेन मैं आप लोगों को कह रहा हूं, इन दो को कंसिडर नहीं करना, इसको कंसिडर नहीं करना, बाकी टर्म को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, ये सारी आपस में कैंसिल हो रही है। कैसे, देखो 1/32 अगर आप यहां से कॉमन ले लोगे, तो यहां से मतलब इसको इस तरह भी आप समझ सकते हो ना, 1/30 ये सेम ही चीज है ना, जब इनको आप दो दफा ऐड करोगे तो इसके साथ 2 आ जाएगा, 2 times 1/32 1/9। भाई सिंपल मैथ है, जब एक चीज को आप दो दफा ऐड करोगे इसके साथ 2 आ जाता है। इस दोनों चीजों को मैंने दो दफा ऐड किया है, इसका मतलब इसके साथ 2 आ जाएगा, 2 को कैंसिल कर दो इससे 16। तो वही चीज तो बनती है, 1/16 1/9 1/16 1/9। ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, उसका मतलब इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो यही चीज आएगी और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और ये हर टर्म के लिए ऐसे ही होगा, आप 1/32 को 1/13 से करो, इसी तरह इसको 1/13 से करो, जब आप सॉल्व करोगे तो ये -1/16 × 1/13 ये से कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह 1/17 के टर्म जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं कि इनफाइनाइट टर्म तक जा रहे तो क्या होगा, नहीं, ये सारी टर्म कैंसिल होती जाएंगी। इसी तरह तो जो बचेंगी ना उसको लिख दो, ये शुरू की ये दो टर्म और ये वाली टर्म ये बच रही है, तो इसको जरा ऐड करके देख लो, जो आंसर आएगा वही आपका सम टू इनफिनिटी होगा, क्योंकि बाकी तो सारी कैंसिल होती जाएंगी, जहां तक आप लेके जाओ कैंसिल होती जाएंगी, क्योंकि शुरू की 3 टर्म मैंने आपको बता दी ना कैंसिल हो रही है, तो आगे भी आप करते रहो कैंसिल होती जाएंगी। अब रही बात जो बाकी टर्म रहेगी उनका क्या करना है, देख लेते हैं। यहां पे बचा 1/32, इसको सॉल्व करो, 5 × 5 5 + 1 6 ये हो जाएगा 6/5, और ये क्या है 1/5। अब बस आपने इसको सॉल्व करना है, यहां पे कैल्सियम लेने वाला काम चल सकता है अगर लेना चाहो तो आप। एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा, 32 × 5 ही आएगा एलसीएम यहाँ पे आएगा। मैं कंफर्म कर लेता हूँ, कदर गलती ना हो, 16 × 5 क्या होता है 80 होता है गैस, और 32 × 5 क्या होगा 64 128 और 160 ये होगा। तो डेफिनेटली इनका एलसीएम जो है 160, मतलब 32 × 5 ही होगा, सही। अच्छा तो एलसीएम यहाँ पे जो आ गया उसको लिख लेते हैं, एक सेकंड में ऊपर कर लेता हूँ। बाय द वे आप कैलकुलेटर में डाल के डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हो, कोई आपको नहीं कह रहा इसके बाद आपने पूरे स्टेप्स करके दिखाने, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करके भी कैलकुलेटर में आंसर निकाल सकते हो। तो एलसीएम यहाँ पे क्या है 32 × 5, जिसको हम 160 लिख सकते हैं ना, सिंपल कैलकुलेशन करो तो यहाँ पे तो ऊपर जस्ट 6 आ जाएगा, ये 16 × 5 ये 80 होता है, 82 टाइम्स आता है, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर से, -2 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4/160, इसको सॉल्व करो ये हो जाएगा 1/40। तो बच्चों सीरीज का सम जो है 1/40 आ जाएगा, जहां तक मुझे याद आ रहा है सवाल बुक में आएगा सॉल्व हुआ है, नहीं सॉल्व नहीं होगा, खैर तो इस तरीके से हमने सॉल्व करना है बच्चों। तो जो इनफाइनाइट टर्म्स वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, वहां पे तो फॉर्मुला यूज नहीं करते, सिंपल ये मेथड होता है, आप देखते हो खुद लॉजिकल बात को समझते हो, चीजें कैंसिल होती जा रही है, जो बचेंगे उनको ऐड करते हो, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाता है। अभी एक सवाल मैंने करवा दिया, मेजोरिटी सवाल इसी से कवर होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो तो आप इसी से करोगे, इसी तरह और कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 के जहां भी इंफिनिटी है ना, क्योंकि वहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो लेकिन अलाउड नहीं होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी पुट नहीं कर सकते आप, इन्फिनिटी पुट करना मस्त है, जैसे वो फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है, कल मैंने बताया था, सिग्मा आर वन से लेके एन एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ आर प्लस। तो इसमें हम कहते थे अगर जनरल टर्म इस फॉर्म में है तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, आंसर क्या आएगा, इसका आंसर होगा आर की जगह 1 पुट करो, यहाँ पे आर की जगह पे एन पुट करो, इधर आर की जगह आपने लोअर लिमिट पुट करनी है और इधर आर की जगह आपने अपर लिमिट पुट करनी है, लेकिन अगर यहाँ पे एन इन्फिनिटी हो जाए तो अब आप इन्फिनिटी पुट करते हुए अच्छी लगोगे नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी को नंबर नहीं है, तो दैट्स व्हाई ये वाला स्टेप अलाउड नहीं होगा, यहाँ पे इन्फिनिटी को नंबर नहीं है जो आप यहाँ पे पुट करोगे उसको सॉल्व करोगे, नंबर नहीं है वो, उसका मतलब आप पुट नहीं कर सकते, ये वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, वही काम करोगे जो दो सीरीज होंगी ना उनको एक्सपेंड करोगे, आप देखोगे खुद ही कैंसिलेशन हो रही है और इस तरह आप ऐड कर लोगे। वो चलो मुझे टाइम बचा मैं इंशाल्लाह आगे भी दे दूंगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इनफाइनाइट का है, तो जरा उसको देख लेते हैं हम, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 और 8 एक जैसे हैं, बल्कि क्वेश्चन नंबर 6 तो बच्चों वाला ही है, क्वेश्चन नंबर 8 में 2 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, तो जरा उसको देख लेंगे।
अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन वाला काम मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, आज भी बताया था, क्योंकि वो थोड़ा लंबा काम होता है। तो अब ये आइंदा से आप लोग करोगे, मैं आप लोगों को जो मेन टॉपिक है ना जो मुश्किल लगेगा, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन बड़ी इजी है, कोई इसमें नई चीज नहीं है, जो मुश्किल चीज है वो मैं करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 7 एक जैसे हैं, तो 5 कर लेते थोड़ा, या चलो 6-7 कर लेते, क्योंकि उसमें वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है। आपको इस चीज की वैल्यू निकालनी है 2 से लेके इंफिनिटी 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 1। देखो अगर आप अभी कुछ वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दोगे तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। मैं कहता हूँ k की जगह मैं 2 पुट करता हूँ, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 3। मैं k की जगह 3 पुट करता हूँ, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, 1 अपॉन 8, 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 8। फिर आप n की जगह 4 पुट कर लो, 1 अपॉन 15। कहने का मतलब क्या करोगे, एक लिस्ट ऑफ नंबर आ जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाना है, फस जाओगे, कोई और मेथड लगाना पड़ जाएगा। बेस्ट तरीका यहाँ पे क्या है, ये जो फ्रैक्शन आपके सामने लिखी हुई है ना, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दो, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन जब दो टर्म्स में तोड़ोगे ना तो वही मेथड और डिफरेंस लगेगा, टर्म्स आपस में कैंसिल होने लग जाएंगे, कैलकुलेशन अभी काफी आसान हो जाएगी। तो आप कंसीडर करो जो जनरल टर्म लिखी हुई है उसको कंसीडर करो, 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले तो यार इसको फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, ये हो जाएगा के माइनस 1 के प्लस 1। जब आप इसको इन दो फैक्टर में कन्वर्ट कर दोगे ना, अब आपका काम क्या रहेगा, अब आपने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करोगे, वही बात है, इसको कंसीडर करो और तोड़ दो इसमें। अब इसके बाद का काम सारा आपके, मैं यहाँ पे स्टेप स्किप कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ। यहाँ पे ए की वैल्यू कैसे आएगी, के माइनस वन को जीरो के बराबर रखो, के की वैल्यू 1 आएगी, के की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करो, 1 प्लस 1 2 होता है, तो a की वैल्यू 1 अपॉन 2 आ जाएगी। b की वैल्यू निकालने के लिए आप k प्लस 1 को 0 के बराबर रखो, k की वैल्यू आएगी माइनस 1, इसको छोड़ के इसमें पुट करो माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 2, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 अपॉन। आपने लंबे वाले मेथड से सॉल्व करना है इसको। ये तो ये जो आपके पास पूरी जनरल टर्म थी ना, ये आप किसके बराबर है, ये बराबर है 1 अपॉन 2 अपॉन के माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन के प्लस 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब बात आ गई सिग्मा की, क्योंकि आपने ऐड करना था, अब आप इसको पुट कर दो उसके अंदर, तो n 2 से लेके इनफिनिटी 1 अपॉन 2 को बाहर कर देते पहले, मैं दोनों टर्म पे अलग अलग चलो बाद में अप्लाई कर देता हूं, 1 अपॉन 2 k माइनस 1 1 अपॉन 2 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। ये जो जनरल टर्म लिखी हुई थी ना, जनरल टर्म को सिंप्लीफाई किया तो ये चीज है। अब आप दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर दो, तो पहले सिग्मा पहले वाले फैक्टर पे अप्लाई करो 1 अपॉन के माइनस 1 पे। अच्छा चाहो तो 1 अपॉन 2 कॉमन भी ले सकते हो, यहाँ पे 1 अपॉन 2 कॉमन ले लेते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा लिमिट वही है, के 1 2 से लेके इनफिनिटी, इसी तरह के 2 से लेके इनफिनिटी, यहाँ पे क्या लिखा है 1 अपॉन के प्लस 1, ये सोल्यूशन लिखी है। अब आप इसको खुद जब एक्सपेंड करो, खुद ही आपको समझ आ जाएगा कि चीजें आपस में कैंसिल हो रही है, सब आपका काफी ईजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 वैल्यूज पुट करो, सबसे पहले यहाँ पे 2 पुट करोगे, 2 माइनस 1 क्या होता है 1 के बराबर, आंसर 1 आ जाएगा, इसके अंदर भी एक ब्रैकेट चलेगी। फिर आप k के जगह 3 पुट करो, आंसर डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, फिर 4 पुट करो 1 अपॉन 3, फिर 5 पुट करो 1 अपॉन 4, और इसी चलती जाएगी अप टू इनफाइनाइट। अब इसके साथ करते हैं, मैम में माइनस आएगा, k की जगह सबसे पहले 2 पुट करो, 2 प्लस 1 3, k की जगह 3 पुट करो 4 आ जाएगा, k की जगह 5 पुट करो 5 प्लस 1 सॉरी k की जगह 3 पुट करोगे तो 3 प्लस 1 4, k की जगह अगर 4 पुट करोगे 4 प्लस 1 5, फिर 1 अपॉन 6, और ये पैटर्न चलता जा रहा है अप टू इनफाइनाइट तक। अब आपको नजर आ रहा है चीजें कैंसिल होती जा रही, क्यों, 1 अपॉन 3 के पास सारी चीजें सेम है, 1 अपॉन 3 1 अपॉन 4 1 अपॉन 5 1 अपॉन 6 सेम चीज वहां भी नजर आ रही है, 1 upon 3, 1 upon 4, 1 upon 5, 1 upon 6. तो ऑब्जर्व करोगे कि 1 upon 3 के बाद दोनों सेम हो गए, दरमियान में नेगेटिव का साइन है कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 upon 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 upon 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह 1 upon 5, 1 upon 6 इसके बाद जो आ रहे हैं उनसे कैंसिल हो जाएंगे। तो ये सब चीजें आपस में कैंसिल हो जाएंगी, बेशक आप इसको इनफाइनाइट तक ले जाओ, पीछे क्या बचेगा, ये 1 upon 2 बचेगा और दो नंबर बचेंगे, तो सॉल्व करो ये होते हैं 3 upon 2, मजीद इसको सॉल्व करो तो
जो लेफ्ट हैंड साइड थी ना आपकी, कि सिग्मा एन टू से लेके इन्फिनिटी वन अपॉन के स्क्वायर माइनस वन, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, थ्री अपॉन फोर। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फाइव इसी तरह करने, वहां वन से स्टार्ट हो रहा है। देख लो क्वेश्चन नंबर सिक्स और क्वेश्चन नंबर एट में आपने एन तक जाना, इनफाइनाइट तक नहीं जाना। इसका मतलब अब आप फॉर्मुला भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो जो एफ ऑफ आर वाला फॉर्मुला बताया था। तो ये काम आप लोग कर लेना यार, जो क्वेश्चन नंबर एट है वो तो बड़ा इजी है, डायरेक्ट आप के कॉमन लोगे तो आपके पास एक आ जाएगा के, एक आ जाएगा के माइनस वन, उसको ब्रेक करना काफी इजी हो जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर सिक्स बता देता हूँ जल्दी से आप लोगों को, उसमें डिनोमिनेटर लिखा हुआ है नाइन के स्क्वायर प्लस थ्री के माइनस टू। इसकी मिनट में ब्रेक करो, नाइन को माइनस टू से करो माइनस एटीन होता है, माइनस एटीन पे कौन सा टेबल पड़े, सिक्स थ्री था आई गेस, हाँ। तो मिनट में ब्रेक होगी सिक्स के माइनस थ्री के माइनस टू, कॉमन आप लोग शुरू की दो टर्म से थ्री के, तो थ्री के प्लस टू बचेगा, यहां से माइनस वन कॉमन लो थ्री के प्लस टू बचेगा, थ्री के प्लस टू और थ्री के माइनस वन। तो जो क्वेश्चन नंबर सिक्स में डिनोमिनेटर लिखा हुआ था ना, मैंने बताया था पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आपको पहले डिनोमिनेटर को फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस तरह। अब आप पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो आपका जो कन्वर्ट हो गया थ्री के प्लस टू थ्री के माइनस वन। अब आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करो, वही ए अपॉन थ्री के प्लस टू प्लस बी अपॉन थ्री के माइनस वन। अगेन पार्शियल फ्रैक्शन का पूरा तरीका बताया मैं, शॉर्टकट यहां पर लगा रहा हूं, इसको जीरो के बराबर रखो, के की वैल्यू आ रही है माइनस टू अपॉन थ्री, यहां पे पुट करो माइनस टू अपॉन थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल, माइनस टू माइनस वन माइनस वन अपॉन थ्री, तो ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन अपॉन थ्री। बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको जीरो के बराबर रखो, के की वैल्यू आएगी वन अपॉन थ्री, यहाँ पे पुट करो वन प्लस वन टू, तो बी की वैल्यू यहाँ पे आ रही है वन अपॉन थ्री। बच्चों आप लोगों की पार्शियल फ्रैक्शन भी हो गई है, अब वक्त आ गया वो समीकरण नोटेशन अप्लाई करने का। एक काम करो, पहले इस चीज को आप लिखो, जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ ना फॉर्मूला इस टाइप का होता है। पहली बात माइनस साइन दरमियान में होता है, आपको देखने में लग रहा है माइनस साइन दरमियान में होगा। दूसरी बात, इस वाली चीज को अगर एफ ऑफ आर लोगे ना तो ये चीज एफ ऑफ आर प्लस वन होगी, क्योंकि बड़ी होगी ना, थ्री के माइनस वन छोटा होगा, थ्री के प्लस टू बड़ा होगा, प्लस आर एन एस के अंदर, इस तरह थोड़ा समझो इसको। तो आप सिग्मा नोटेशन में इसको इस तरह पुट करोगे, पहली बात वन अपॉन थ्री तो हम कॉमन ले लेते हैं, फिर आप क्या पुट करोगे, यहां से आएगा वन अपॉन थ्री के माइनस वन और यहां से आएगा वन अपॉन थ्री के प्लस टू। ये ब्रैकेट अगर आप ना भी लगाओ तो कोई मसला नहीं है। तो अब यहां पे जरा ऑब्जर्व करो, मैंने ऑर्डर चेंज किया, देखो वन अपॉन थ्री कॉमन था दोनों के अंदर आ रहा था, यहां से बचेगा वन अपॉन थ्री के माइनस वन और यहां से जब वन अपॉन थ्री कॉमन ले लोगे पीछे बचेगा माइनस वन अपॉन थ्री के प्लस टू। अब अगर आप देखो इस फॉर्म के अंदर मौजूद है, आप किसी स्टेप के बाद, कल मैंने पूरा करवाया था सवाल इसलिए मैं दोबारा डिटेल में नहीं जा रहा, आप यहाँ पे सिंपल लेट कर सकते हो कि ये जो पूरी चीज है ना ये किसके बराबर है, ये एफ ऑफ के बराबर है। अच्छा बाय द वे आप फॉर्मूला यूज के बगैर भी सॉल्व कर सकते हो, अगेन वही टेक्निक है, आप इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करो, k की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, वन से लेके इन्फिनिटी, वन से लेके इन्फिनिटी है ना, तो वही इसमें आप वन पुट करो आपके पास आंसर आएगा वन अपॉइंट टू, टू पुट करो आंसर आएगा वन अपॉइंट फाइव, फिर थ्री पुट करोगे आंसर आएगा वन अपॉइंट एट। जब इसके अंदर के की जगह वन पुट करोगे तो देखो वन अपॉइंट फाइव आ रहा है, टू पुट करोगे वन अपॉइंट एट आएगा, तो इस तरह चीजें आपकी कैंसिल होती जाएंगी। तो अगर आप यहाँ पे यही वाली टेक्निक लगाना चाह रहे हो तो बिल्कुल लगा सकते हो, बल्कि आपको ज्यादा ईजी लगेगी। इसी तरीके से आपने एक्सपेंड करना, सब चीजें कैंसिल हो जाएंगी, वो शुरू की एक दो टर्म बच जाएगी, आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाला काम बिल्कुल आप कर सकते हो, या फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, फॉर्मूला से है कि आपके पास ज्यादा जल्दी आंसर आ जाएगा, कौन से लेके आना है यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्मूला में क्या होना चाहिए था, अगर ये एफ ऑफ के है तो ये चीज क्या होनी चाहिए, ये एफ ऑफ के प्लस वन होना चाहिए था। तो आप चेक करके देखो क्या ये एफ ऑफ के प्लस वन है। चैप्टर एट में मैंने आपको बताया था के की जगह अगर आपने के प्लस वन पुट करना है तो राइट हैंड साइड में जो के है उसकी जगह क्या पुट कर दोगे, के प्लस वन पुट करोगे, तो k की जगह पुट कर देता हूं k प्लस वन। सॉल्व करो, थ्री को k से करो, थ्री को वन से करो, थ्री के प्लस थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन क्या होता है, टू के बराबर। तो देखो एग्जैक्ट वही चीज आ रही है, इसका मतलब अगर ये पूरी चीज f ऑफ k है तो ये वाली पूरी चीज किसके बराबर है, f ऑफ k प्लस वन के बराबर है। तो आप ये लिख सकते हो कि ये f ऑफ k है और ये वाली पूरी चीज f ऑफ k प्लस वन है। तो अगर ये चीज वैलिड है तो लिख देना बाय यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंस, हम इस नतीजे में पहुंचेंगे कि इस पूरी चीज का आंसर क्या होगा, इस पूरी चीज का आंसर क्या आता है, एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ एन प्लस वन, यही आंसर था ना। तो पुट कर दो, एफ ऑफ वन मतलब जो पहला फैक्टर है उसमें के की जगह वन पुट करो और जो दूसरा फैक्टर है उसमें के की जगह एन पुट कर दो, एन हो जाएगा थ्री। वन सा क्या होता है, थ्री थ्री माइनस वन टू, तो ये हो जाएगा वन अपॉइंट टू,
अब आपने क्या करना है, दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करना है, आपके पास सम का फॉर्मूला आ जाएगा। अब एलसीएम लेके सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, आप आसानी से इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। सही, एक तो ये तरीका है सवाल को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको एक्सपेंड कर दो इस तरीके से, उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, उसका भी मैं जल्दी से आप लोगों को बता देता हूँ। इस वाले मेथड से तो आप इस नतीजे में पहुंचोगे और आपके पास डायरेक्ट जो भी है वो आ जाएगा। उस वाले मेथड से भी आप इसी स्टेज पे आ जाओगे। कैसे, उधर देख लो कि आप यहाँ पे के की वैल्यूज पुट करो यहाँ पे। अच्छा, 1/3 बाहर है तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आंसर है। अच्छा, तो दूसरा मेथड क्या होगा यहाँ पे, दूसरा मेथड है वैल्यूज पुट करो। के की जगह 1 पुट करो 1/2 आएगा, 2 पुट करो 1/5 आएगा, 3 पुट करो 1/8 आएगा। अच्छा जी, माइनस, अब यहाँ पे आप के की वैल्यूज पुट करो, 1 पुट करो 1/5 आएगा। अच्छा, अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे आप एन टर्म्स तक जा रहे हो, इसी को ध्यान में रखना। यहाँ पे तो चीज इतनी काम इस तरह कर लेते हैं, ये चीज आप पुट करते जा रहे हो और आखिरी टर्म क्या होगी, एन होगी ना यहाँ पे, तो एन पुट कर दो यहाँ पे 1/3 n-1। ये जनरल टर्म है ना, जनरल टर्म में एन की जगह आप के पुट कर दो, सॉरी के जगह एन पुट कर दो, जनरल टर्म आ जाएगी। तो ये पहली वाली में तो आपने इस तरह पुट कर दिया। अब बात करते हैं दूसरी की। दूसरी यहाँ पे क्या, वही k की वैल्यूज पुट करो, k की 1 वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा 1/5, k की जगह 2 पुट करो ये हो जाएगा 1/8, फिर हो जाएगा 1/11, ये चलता जाएगा चलता जाएगा। इसके नेक्स्ट टर्म क्या है, n पुट कर दो तो हो जाएगा 1/3 n+2। तो अगर आप ऑब्जर्व करो हर चीज कैंसिल हो रही है, 1/5 नेगेटिव 1/5 से कैंसिल, 1/8 नेगेटिव 1/8 से कैंसिल, इसी तरह 1/11 भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। यही बात इसकी जनरल टर्म है 1/3 n-1, जबकि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 1/3 n+2। इस चीज को थोड़ा टेक्निकल समझना, ये पॉइंट समझ आ गया, एक्सरसाइज खत्म होगी आपकी, इसके बाद कुछ भी नहीं समझने के लिए। इस टर्म से पहले वाली टर्म क्या होगी, असल बात यह है ये वाली टर्म कौन सी थी, nth टर्म थी, मतलब जब आपने n पुट किया था यहाँ पे तो आपको ये वाली टर्म मिली थी। इस टर्म से पहले वाली टर्म क्या होती है, n-1, तो आप इसमें n-1 पुट करो और देखो आपके पास आंसर क्या आ रहा है। मैं जब इसमें n-1 पुट करूंगा तो आंसर हो जाएगा 3n-3+2, सॉल्व करो 1/3 n-1 आ रहा है, एग्जैक्ट ये चीज आ रही है। इसका मतलब जो इससे पहले वाली टर्म होगी ना वो इस वाले से कैंसिल हो जाएगी, ये बताना चाह रहा हूं मैं। इस टर्म से पहले वाली टर्म, ये टर्म कैसे आई थी, आपने n की जगह k की जगह n पुट किया था, तो k की जगह अगर n-1 पुट करोगे तो इससे पहले वाली टर्म आपको मिल जाएगी जो कि इससे कैंसिल हो जाएगी। तो अगेन आपके पास पीछे क्या बचेगा, 1/2 - 1/3 n+2, एग्जैक्ट ये चीज हो जाएगी। मैंने दोनों मेथड आपको बता दिया, आप फॉर्मुला यूज करो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। और अगर आप फॉर्मुले से कंफर्टेबल नहीं होते, आप कहते हैं सर f(k) f(k+1) क्या मुसीबत में पढ़ो, मैं डायरेक्ट इस तरह सॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो जनरल टर्म क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं है ना, यहाँ पे nth टर्म तक बात हो रही है, इनफाइनाइट होती तो आप ये वाला मेथड यूज कर लेते कि अरे सारी कैंसिल होती जा रही है। अगर इनफाइनाइट होती तो फिर जैसे अभी आप ये बोल सकते हो ना इसकी इतनी टर्म्स है इसकी इतनी टर्म्स है, जब इनफाइनाइट है तो कोई नंबर ऑफ टर्म कुछ भी नहीं है, इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट तक कैंसिल होती जाएंगी उसमें कोई nth टर्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, वो कहीं रुकेगी नहीं, वो तो इनफाइनाइट जाती जाएगी, वो कैंसिल होती जाएगी। तो वहां पे अगर ये nth टर्म वाला कॉन्सेप्ट माइनस एड ये कर रहे होते हैं, वहां शुरू में ही आप कह देते हो कि यार ये कैंसिल हो रही है, दैट्स इट, मसला हल हो जाता है आपका। लेकिन यहाँ पे आपको देखना पड़ता है क्योंकि ये एक अलग सीरीज बन रही होगी, इसकी स्टार्टिंग टर्म 1/5 है, ये एक अलग सीरीज है इसकी स्टार्टिंग टर्म 1/2 है। लेकिन अगर ये इनफाइनाइट होती तो आप ये दोनों सेम ही होती, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट है तो मैटर नहीं कर रहा होता। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म n है, तो अगर स्टार्टिंग टर्म 1/2 हो और n टर्म्स हो तो बात अलग होगी, और स्टार्टिंग टर्म 1/5 हो और n टर्म्स हो तो बात अलग होगी, इनफाइनाइट होती तो बात में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है। ये एक सवाल रह गया, वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग आसानी से कर सकते हो, वहां पे दो फैक्टर ही बनेंगे, जब आप k कॉमन लोगे ना ये दो फैक्टर बनेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने का वही तरीका होगा, a/k + b/k-1। इसके बाद तो आप लोगों को पता है a और b के वैल्यूज निकालोगे, बड़ी इजी होगी। एक जीरो के बराबर रखना, यहाँ पे जीरो पुट करो, k की वैल्यू आ जाएगी a की वैल्यू, और इसको 1 के बराबर रखो, b की वैल्यू आ जाएगी 1। बड़ा इजी मिडिल टर्म देख के देख लेना, आसानी से हो जाएगा। उसके बाद तो वही काम है जो आपने सिग्मा के साथ किया, यहाँ पे कोई नई चीज नहीं है। बाकी इसको ट्राई करना, अगर ये फंसो तो मैं किस लिए खड़ा हूँ, मैं आप लोगों की हेल्प कर दूंगा। 5.4 जो है बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है, इसका मतलब चैप्टर नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट। अब हमारे पास दो ही चैप्टर रह गए और कोई नहीं है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज बार बार मेरे जहन में आ रही है, वो 30 सेकंड की है, समझ लो यहाँ चैप्टर खत्म हो रहा है। तो वो ये वाला फॉर्मूला था जो अभी आप लोगों को मैंने बताया था, 1 से लेके, ये बुक में फॉर्मूला लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, वही f(r - f(r+1) का
अगर आर वन से लेके एन तक जा रहा है तो उसका आंसर क्या होगा, एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ एन प्लस वन, ये इसका फॉर्मूला था। इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, उल्टा इन द सेंस कि आप इसको इस तरह लिख सकते हो, आर वन से लेके एन पहला ये वाली चीज लिख दो, एफ ऑफ आर प्लस वन माइनस एफ ऑफ आर, तो ये बराबर हो जाएगा एफ ऑफ एन प्लस वन के माइनस एफ ऑफ वन। इसको इस तरह समझ लो कि लेफ्ट हैंड साइड को भी आपने माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया, राइट हैंड साइड को भी आपने माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ऑर्डर इनके चेंज हो जाएंगे। इसके वैसे प्रूफ भी होते हैं कि अगर ये चीज पहले आ गई, ये चीज बाद में आ गई, तो अब मेथड ऑफ डिफरेंस से जो चीजें कैंसिल होंगी तो एंड पे आपके पास क्या बचेगा, ये चीज एंड पे बचेगी, इसका प्रूफ भी होगा। लेकिन हमने इसका प्रूफ देख लिया था ना, तो उसका अलग से प्रूफ देखने की जरूरत है नहीं, बस इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये स्टेटमेंट ठीक है बिल्कुल, हमने इसका प्रूफ देखा हुआ था, तो इसी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये चीज आ जाएगी। ये सवाल में आपने कहीं अप्लाई नहीं करनी, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ एमसीक्यू उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, कि अगर इस वाले ऑर्डर में आए तो आंसर ये होगा। रट्टा नहीं मानना कि हर दफा एफ ऑफ वन पहले होता है और एफ ऑफ एन प्लस वन बाद होता है, रट्टा नहीं मानना। अगर एफ ऑफ आर पहले है तो एफ ऑफ वन होगा इधर, इसी तरह अगर पहले उन्होंने एफ ऑफ आर प्लस वन दे दिया तो अब यहाँ पे एफ ऑफ एन प्लस वन पहले होगा, एफ ऑफ वन बाद में होगा। तो ये एमसीक्यू में तंग कर सकते हैं आपको, तो इस चीज को ध्यान में रखना।